Hello everyone, welcome to my channel Stunning Diva, all about fashion and beauty. And आज इस वीडियो में मैं आप सबको एक हर्बल हेयर ऑयल की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जिसमें कि आपको बहुत ही कम सामान की ज़रूरत है और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड लिटिल टाइम कंज्यूमिंग है. मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही कम टाइम में ये आप बना सकते हैं खुद से, अपने हाथों से, अपने घर पे बना के आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं. और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर आप इसका डेली रेगुलर यूज़ पे आप इसके एप्लीकेशन अपने हेयर्स पे करेंगे. और ये प्रिजर्वेटिव फ्री एंड केमिकल फ्री है. तो चलते हैं, देखते हैं हमें इस हर्बल हेयर ऑयल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो पहले हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए इसके लिए, दैट इज़ सरसों का तेल और मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल कह लें या सरसों का तेल कह लें, ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल है. पुराने ज़माने में जो हमारे घर के लोग होते थे वो मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते थे, खाने, कुकिंग में भी, लगाने में भी, हेयर्स में भी, सब. मतलब दे मोस्टली यूज्ड ऑयल था ये मस्टर्ड ऑयल. बट आजकल की लाइफस्टाइल में इसका कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया है, बट इसके बेनिफिट्स, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. तो पहला हमारा इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड ऑयल. इट स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ और ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है आपके स्कैल्प में, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है आपकी. इट कंटेन्स प्रोटीन, अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ हेयर, एंड ओमेगा फैटी एसिड्स, बोथ ऑफ विच नरिशेज योर हेयर एंड इनकरेजेस हेयर ग्रोथ. इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज विच प्रिवेंट्स हेयर लॉस एंड इंश्योर हेल्दी हेयर ग्रोथ. उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड इन्ग्रीडियंट पे, दैट इज़ मेथी दाना. मेथी दाना हमने लिया था यहाँ पे और हमने उसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में. अगर आपके पास मिक्सर ना हो तो आप किसी भी शॉप पे जाके जहाँ पे आपका राशन पानी का सामान मिलता है वहाँ पे आप जाइए और मेथी दाने का पाउडर मांगिएगा, तो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा. मेथी दाना और फेनुग्रीक सीड्स भी हम इसे बोलते हैं. इट हैज़ हाई प्रोटीन एंड निकोटिंग एसिड कंटेंट, विच आर नोन टू बी बेनिफिशियल अगेंस्ट हेयर फॉल एंड डैंड्रफ एंड इन ट्रीटिंग वराइटी ऑफ स्कैल्प इशूज लाइक ड्राइनेस ऑफ हेयर, बैडनेस एंड हेयर थिनिंग. मेथी दाना सीड्स ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट्स ब्रेकेज एंड स्ट्रेंथन द हेयर शाफ्ट्स ऑल्सो. इसके और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो एंड मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल्स. इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेट लॉस ऑल्सो. देन अब हम आते हैं अपने थर्ड इंग्रेडिएंट पे, दैट इज नीम लीव्स. नीम लीव, नीम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं. इट इज़ एन एंटी बैक्टीरियल प्लांट. इट हैज़ मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. इट इज़ इट्स लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स, रूट्स एंड बार्क have been used traditionally for infections, skin diseases and many others. इसके नीम के plants, bugs भी use होते हैं, जिसमें हम नीम की छाल कहते हैं जो हम skin पर लगाने के लिए use करते हैं. इसकी पत्तियाँ, इसके fruits, इसकी सब चीज़ में medicinal properties होती हैं जो कि various चीज़ों के लिए हम use करते हैं और अच्छे results हमें नीम से मिलते हैं. नीम लीव्स has amazing benefits for scalp and hair. Hairs, the antibacterial property of neem helps to treat dry scalp, dandruff and hair fall issues. और अगर आपके hairs scalp में itching हो रही है या किसी तरीके के फोड़े फुंसी या दाने हैं, तो ये उसको भी cure करने में बहुत ही अच्छा साबित होता है. Then हम आते हैं अपने fourth ingredient की तरफ, that is curry leaves. और मीठी नीम भी हम इसे कहते हैं या करी पत्ता भी कई जगह बुलाया जाता है. Curry leaves are loaded with bio keratin, beta keratin that helps in controlling hair fall, and it also has amino acids that strengthens the roots and antioxidants which helps to strengthen the hair follicles. It gives a proper nourishment to scalp also. They helps in making hair dark and thick. It is used in cooking, Indian cooking for a taste in many Indian cooking recipes. Then it stimulates hair growth and also prevents graying of hair. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन वेट लॉस. तो ये चार इन्ग्रीडियंट हैं जिनका यूज़ करेंगे हम और एक हर्बल हेयर ऑयल बनाएंगे. ओके, तो अब बनाते हैं हर्बल हेयर ऑयल. इसके लिए आपको नीम लीव्स और करी लीव्स को आप ले लीजिए और इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लीजिए. इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और डस्ट वगैरह बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए. तो आप इसको
हैंडफुल ऑफ नीम, एक एक मुट्ठी नीम और करी लीव्स ले लीजिए, नहीं तो फिर अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो 50-50 इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए इसको। तो इसको हम लेंगे और इसको थोड़ा सा पहले क्रश कर लीजिए, या अपने हाथों से इसको तोड़ लीजिए, थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे और फिर हम इस, और जहाँ तक हो सके आप ग्लास कंटेनर ही लीजिएगा, बिकॉज ग्लास कंटेनर में ही, क्योंकि हमको इसे थोड़े से सनलाइट भी दिखानी पड़ेगी, तो ग्लास कंटेनर में जो भी चीज़ रखते हैं उसमें सनलाइट प्रॉपर रहती है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं रहते हैं, बिकॉज प्लास्टिक या कोई स्टील वगैरह में उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो आप ये करी लीव्स को आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए, क्रश करके इसमें डालेंगे, फिर नीम लीव्स को भी आप क्रश कर लीजिए। कब डालिएगा? इस हेयर ऑयल के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो हेयर ऑयल है आपका, सरसों का तेल जो होता है वो बहुत ही, अगर आपके हेयर्स वाइट हैं और आप हिना एप्लीकेशन करते हैं, ये मेथी पाउडर मैंने 2 स्पून लिया है, ये नॉर्मल स्पून है जो हम लोग खाने वगैरह में यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो नॉर्मल स्पून से आप 2 स्पून मेथी दाना पाउडर आप लेके डाल लीजिए इसमें। ये जो हेयर ऑयल है, सरसों का तेल आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को कम करता है, और अगर आप हिना एप्लीकेशन करते हैं किसी भी तरीके का हिना एप्लीकेशन, रेडिश हिना एप्लीकेशन या ब्लैक ब्लैक बनाने के लिए हेयर्स को, या रेडिश टिंच देने के लिए आप अपने बालों में हेयर में अप्लाई करते हैं हिना को, तो जो आप ये हेयर ऑयल है आपका, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये कलर को डार्क करता है, हिना के कलर को बहुत डार्क करता है ये, और आपको ज़्यादा दिन तक की, मतलब आपका जो कलर है वो स्टे करेगा आपके बालों में। तो ये मैंने 200 ml की बॉटल ली है, सरसों का तेल है ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इंजन ब्रांड बहुत ही पॉपुलर है, तो मैंने इंजन मतलब अच्छा माना जाता है इसलिए मैंने ये ब्रांड लिया है। आप कोई भी रैंडम ब्रांड उठा सकते हैं, या आपके घर में कहीं से प्योर सरसों का तेल अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये 200 ml की बॉटल है, बट हम पूरा 200 ml यूज़ नहीं करेंगे। पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले थोड़ा अप्लाई करें, थोड़ा बनाएं, फिर आप, अगर आपको अच्छा ये लगे तो फिर आप इसको आगे दोबारा और बना सकते हैं। तो मैं इसमें हाफ बॉटल यूज़ करूँगी, दैट मीन्स यू कैन से दैट 100 ml ऑफ ऑयल आई एम यूजिंग। इस हेयर ऑयल को आप ऐसे बना लीजिए, फिर आप इसको एटलीस्ट 1 डे के लिए अच्छी धूप को आप इसको हल्के से, या तो इस, जैसे ये मैंने कोई एक जैम की शीशी खा ली थी तो मैंने वैसे कंटेनर ले लिया, आप अगर ग्लास का कंटेनर खरीद के लाना चाहें खरीद लीजिए, आपके घर में कोई भी ऐसे एम्प्टी कंटेनर्स ग्लास के पड़े हों तो आप ये यूज़ करके उसमें बना सकते हैं वॉश करके अच्छे से, और ये कंटेनर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए आपका, इट शुड बी ड्राई, वरना तेल आपका ख़राब हो जाएगा। और इसको ढक दीजिए अच्छे से और फिर 1 दिन एटलीस्ट अच्छे से इसको धूप दिखा दीजिए कायदे से, और जब भी आप इसका एप्लीकेशन करिए तो आप कोशिश करिए कि आप इसको हल्का सा ल्यूक वॉर्म अप्लाई करें, डबल बॉयलिंग मेथड से आप इसको अप्लाई करिएगा ल्यूक वॉर्म, ताकि ये आपके रूट्स में और स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट हो और अच्छे से आपको रिजल्ट्स दे। बस ये रही हमारी हर्बल हेयर ऑयल की रेसिपी। आप इस पर लिड लगा के आप इसको रख सकती हैं धूप में।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा हर्बल ऑयल रेडी है, आप इसे ज़रूर बनाइए और बहुत ही इजीली ये बन जाता है, तो आप इसे बनाइए और ज़रूर अप्लाई करिए और आई एम श्योर कि आपको बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव एंड गुड रिजल्ट्स मिलेंगे इसके एप्लीकेशन के बाद। तो ये हेयर ऑयल आपके बालों को सिल्की एंड स्मूथ टच देगा, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आपके बालों को अच्छे से बढ़ाएगा एंड स्कैल्प को भी डैंड्रफ फ्री रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को स्टनिंग डीवा ऑल अबाउट फैशन एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा कि आपको ये हेयर ऑयल की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।